अपनी महिलाएं एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं इस भव्य परेड के मौके पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज दो सिग्नल बटालियन के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों ने एक अत्यंत ही टच एवं उच्च स्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है। बैंड प्लाटून के द्वारा दी गई बीट आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनोबल को दर्शाता है। श्री अमित कुमार सिंह PMG कमांडेंट टू सिग्नल बटालियन, जिनके कुशल निर्देशन में इस भव्य परेड का संचालन किया गया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। विगत कई महीनों में सिग्नल के कार्मिकों ने लोकसभा एवं कुछ राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों के सफलतापूर्वक निष्पादन में जो भूमिका निभाई है, उसे बल के सर्वोच्च स्तर पर भी पहचाना गया है, जिस कारण सिग्नल वाहिनियों के 234 अधिकारियों एवं कार्मिकों को महानिदेशक के डेस्क एवं प्रशंसा पत्रों से नवाजा गया है। यही नहीं, 7 कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं 13 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। पदक प्राप्त करने वाले सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को मैं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी दो सिग्नल बटालियन के सभी अधिकारी एवं कार्मिक पूरी मेहनत एवं लगन से कार्य करते रहेंगे एवं संचार क्षेत्र एवं इस बल के झंडे को सदा ऊंचा रखेंगे। इससे अवगत होंगे कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में एक असाधारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में पूर्व से तैनात बटालियनों के अतिरिक्त CRPF की दुगनी से भी ज़्यादा कंपनियों को तैनात की गई, के अंतर्गत लाना एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा के बंद हो जाने से यह चुनौती और भी ज़्यादा कठिन हो गई, परंतु हमारे अधिकारियों एवं कार्मिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया एवं दिन रात एक कर अनवरत एवं निर्विघ्न संचार व्यवस्था स्थापित किया। इस दौरान मैं स्वयं कश्मीर में रहकर इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करता रहा। हमारा बल विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, परंतु हमारे सामने चुनौतियां भी अत्यंत गंभीर हैं एवं इसमें शांति बनाए रखने की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है एवं इस कार्य में संचार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः हमें भी इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा एवं साइबर क्राइम जैसे विषयों पर महारत हासिल करनी होगी। हमारे पास देश में उपलब्ध सर्वोत्तम रेडियो सेट एवं आधुनिक उपकरण हैं, हमें इनके उपयोग करने का ज्ञान अर्जित करना होगा। नई तकनीक के साथ साथ हमें अपने आधारभूत पेशेवर ज्ञान को बढ़ाकर किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना होगा। के योगदान की समीक्षा करूं यह उचित नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि टीम का मनोबल उच्च कोटि का रखने में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रखने के पीछे एवं हर्षोल्लास का वातावरण बनाए रखने की शुरुआत हमारे घर से होती है। विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में हमारी घर की महिलाएं, खासकर लेडी वाइफ, जो मानसिक शांति एवं हौसला बढ़ाती हैं, वह काबिले तारीफ है। अतः मैं महिलाओं एवं समस्त परिवार को उनके अंश के सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं नमन करता हूँ। वे ही इस देश के भविष्य हैं। मेरी ओर से सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं एक सभी एवं दक्ष परेड की
सराहना का आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, साथ ही दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आजाद नहीं होने देंगे। देवी और सज्जनों, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में महारत वर्दी है सजीली, छाती है तनी और गर्दन है सीधी। इसी जज्बे के साथ और अग्रसर आप बीएससी की शिक्षा प्राप्त कोर्स आर्मी अटैचमेंट कोर्स एंड पत्रों से नवाजा गया है। आप 13 दिसंबर 2000 फोर्स एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ऑन 1st February 2014 आफ्टर कंप्लीशन इन द हाईली सेंसिटिव एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही हैड शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड अलर्टनेस फॉर कैरिंग आउट cordon and search operational duties. His extraordinary dedication towards shouldering responsibility has been appreciated by higher authorities and he has been awarded with DG's this and commendation letter. He has been serving in this unit since 4th February 2019 and performing the duties with a great responsibility and efficiency. Dasta number 4. Hyderabad.